आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। थाना क्षेत्र के त्रिलोकली निवासी रामचंद्र यादव 35 वर्षीय तथा उसके पुत्र शिवम कुमार 8 वर्षीय की मौत एक सड़क हादसे में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शनिवार को हो गई। शिवम अपने पिता का इकलौता पुत्र था तो रामचंद्र यादव भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। दोनों की एक साथ मौत के बाद अब रामचंद्र यादव के पिता पूरी तरह से निसंतान हो गए। पिता पुत्र का शव रविवार की सुबह उनके पैतृक आवास त्रिलोकली लाया गया। पिता पुत्र के शव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। पूरे त्रिलोकली गांव में किसी के यहां चूल्हा नहीं जला। बता दें कि रामचंद्र यादव अपने 8 वर्षीय पुत्र शिवम को बेहतर शिक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी अपने बहन के यहां पहुंचाने गए थे। वहां से दोनों पिता पुत्र मोटरसाइकिल से सिलीगुड़ी के एक मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों पिता पुत्र को सिलीगुड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों ने एक एक कर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर परिजन सिलीगुड़ी पहुंचे और दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर रविवार को सुबह तिलोकरी पहुंचे। शव के तिलोकरी पहुंचते ही पूरे गाँव में गम का माहौल बन गया। दोनों पिता पुत्र की एक साथ अर्थी उठी तो पूरा क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी यादव, जिला परिषद सदस्य मुनिया देवी, मुखिया उर्मिला देवी सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। इधर पिता पुत्र की मौत पर मुखिया उर्मिला देवी, बसंती देवी, रामेश्वर यादव, अरुण राणा, विजय पंडित, मोहन राणा, अशोक यादव, रामलखन यादव, वीरेंद्र मोदी सहित पूरे क्षेत्र के लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया है। जयनगर से रणजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का। आप इस मृतक के परिजन है, कैसे इस घटना के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इस घटना में हम लोग को मोबाइल से सूचना मिला, जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि यह मजदूरी के लिए सिलीगुड़ी में रह करके काम करता था और वहां पर परिजन के साथ और बच्चा के साथ पूजा अर्चना करने के लिए गया था और पूजा अर्चना करके वापस लौट रहा था डेरा, और डेरा आने के क्रम में पीछे से ट्रक मार दिया और उसके बाद सुनने के बाद वहाँ अगल बगल के लोग, इनके परिजन थे, इनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में जाने के बाद बचाने का हर संभव प्रयास डॉक्टर के द्वारा किया गया, लेकिन दो पिता पुत्र रामचंद्र यादव और उसका बेटा शिवम दोनों नहीं बच पाए और उसकी पत्नी, उसका परिवार जो है सो घायल अवस्था में है जिसका इलाज चल रहा है। उसके बाद यहाँ से लोग थाना माटीगढ़ा ले गए, उसके बाद वहाँ पर FIR किया गया, उसके बाद इसको उचित जगह पोस्टमार्टम कराकर सौ परिजनों को सौंपा गया, जिसमें उसके चचेरे भाई रघु यादव और उसके बहनोई सिकंदर यादव सभी ने वहाँ सौ को हासिल करके वहाँ एम्बुलेंस से लेकर के आज यहाँ उनका पैतृक आवास तिलोकरी पहुँचे हैं। और इस घटना को देख करके पूरे तिलोकरी और इस इलाके में मातम का माहौल है और यहाँ सभी उनके परिजन, चूँकि रामचंद्र यादव वासुदेव यादव का एकमात्र पुत्र था और रामचंद्र का शिवम मात्र एकमात्र पुत्र था, अब इस घर में कोई दीपक नहीं रहा, जिसके चलते पूरे गांव के लोग मर्माहत हैं और सभी लोगों के आँख में आंसू का जो सिलसिला है वह बंद ही नहीं हो रहा है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा।